हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उर्वी जोशी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समरी ऑफ द लेसन नंबर 2, करसन भाई खोड़ीदास पटेल बाय काश्मीरा पी मेहता, जनरल इंग्लिश सेम 1, बीए, बीकॉम और बीएससी स्टूडेंट्स। द समरी ऑफ द लेसन वी विल डिस्कस इन हिंदी लैंग्वेज सो दैट द हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्टोरीज ऑफ द लेसन। So first of all, we will talk about the author, then about the essay, and then we will jump into the main content of the lesson. Dr. Kashmira P. Mehta, she is a PhD guide in KSKVKU. She is working in Sri J.B. Thakkar Commerce College, Bhuj since 1995, yani 1995 se, wo Sri J.B. Thakkar College, Bhuj jo hai, wahan par karyarat hai, aur humare PhD ki guide hai. पीएचडी जो है वो KSKVKU यानी हमारे कच्ची यूनिवर्सिटी में होती है भुज में, तो उनकी ये पीएचडी गाइड है। ओके, हर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि हमें पता है कि इंग्लिश लिटरेचर जो है उसका काफ़ी वाइड एरिया है, जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर, फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें से उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, हॉबी है क्लासिकल, सी इज अ क्लासिकल म्यूजिक लवर एंड शी हैड डन अ उपनाट्य विशारद इन क्लासिकल म्यूजिक। शी इज ऑल्सो अ पीएचडी गाइड इन KSKVKU एज वी हैव मेंशन इट बिफोर। ओके, आफ्टर दैट अबाउट द एसे, दिस एसे गिव्स एन अस इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ करसन भाई हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑफ अ डिटर्जेंट पाउडर विथ सिंगल हैंडेड। जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, निरमा निरमा, ये उनके फाउंडर है, तो कैसे उन्होंने डिटर्जेंट पाउडर जो है उनका बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इस लेसन के थ्रू। दूसरा कि उन्हें कितने ऑब्स्टेकल्स आए थे जब उन्होंने शुरू किया, तब कैसे शुरू किया था, कौन सी छोटी छोटी बातों का उन्होंने ध्यान रखा कि आज उनका इतना ह्यूज बिजनेस है। ही गेन्ड सक्सेस विथ विद इन 3 ईयर्स, 3 वर्ष में ही उन्हें सक्सेस मिल गई थी। दिस ऑल बिकम अ पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिज कॉमन सेंस, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल्स नीड एंड हिज विजडम। ये हर चीज़ पॉसिबल हुई कि उन्हें 3 साल के अंदर कामयाबी मिली। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई क्योंकि उन्हें पता था कि एक जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उन्हें कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और ये विजडम का मतलब होता है सूझबूझ, ठीक है। तो उन्होंने अपना जो बिज़नेस आगे बढ़ाया वो काफ़ी सूझबूझ से आगे बढ़ाया क्योंकि उन्हें पता था कि एक मिडिल क्लास जो पीपल है उसे कौन सी चीज़ चाहिए। तो वो बहुत अच्छे से समझते थे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनकी नीड को, तो इसी कॉमन सेंस के थ्रू उन्होंने अपना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हिज पर्सनल डिटेल। सो करसन दास खोड़ीदास पटेल, ऑल्सो नोन एज के पटेल, वॉज बोर्न इन 1945 एंड द सन ऑफ पुअर फार्मर फैमिली ऑफ रप्पर विलेज ऑफ महसाणा गुजरात। तो महसाणा गुजरात जो है वहाँ का एक रप्पर विलेज है, छोटा सा गांव, वहाँ से वो आते हैं। और एक सामान्य जो खेडूत का परिवार होता है, किसान का परिवार होता है, तो उनके बेटे थे वो। उन्होंने एजुकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की, तो ही हैड डन बीएससी इन केमिस्ट्री एट द एज ऑफ 21। बीएससी किया हुआ है उन्हें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। ये कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा इतनी याद नहीं रखनी है, लेकिन हाँ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखनी है। मोर ओवर, अगर जो हमें के पटेल की लाइफ के बारे में शॉर्ट नोट आती है तो हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है, थोड़ी बहुत जो भी हमें याद रहे वो। ओके, उसकी फर्स्ट जॉब, हाँ उनकी फर्स्ट जॉब जो थी वो थी लेब टेक्नीशियन की एट न्यू कॉटन मिल्स ऑफ लाला भाई ग्रुप अहमदाबाद। अहमदाबाद की एक कॉटन की जो मिल थी लाला भाई ग्रुप अहमदाबाद की, वहाँ पर वो लेब टेक्नीशियन का काम करते थे। और उनकी सेकेंड जो जॉब थी वो थी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग गुजरात गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब थी उनकी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और माइनिंग में। अब देखते हैं कि निर्मा कैसे शुरू हुआ। तो कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो एक इनिशियल स्टेज पर होता है। इनिशियल स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक टाइम, ठीक है, एक छोटे पैमाने पर होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, उसके बाद वो यूज होता है। तो उसके इनिशियल स्टेज की बात करें तो करसन भाई स्टार्टेड निर्मा द वन मैन कंपनी इन 1969। तो वो जब उन्होंने ये स्टार्ट किया तब वो अकेले ही थे, उनके साथ और कोई नहीं था, मतलब कि वो एक ही थे जिन्होंने ये काम शुरू किया। उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती थी लेकिन वो सिंगल हैंडेड बिजनेस था। ओके, ही सेट अप हिज बिजनेस आफ्टर हिज जॉब और वर्किंग आवर्स। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बिजनेस करने के लिए जॉब छोड़ दी, ठीक है, ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेज उन्होंने नहीं लिया, एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि अपना बिजनेस काम, अपना बिजनेस और जो जॉब था, सॉरी अपनी जॉब जो थी
वो काम जब उसका पूरा होता था, मतलब उनके जॉब के जो वर्किंग आवर्स है वो ख़त्म होते थे, उनके बाद वो घर आकर ये काम करते थे. तो इट इज़ लाइक अ साइड बिजनेस. ओके, ही मेड अ होम मेड डिटर्जेंट इन द 100 स्क्वायर फीट बैकयार्ड ऑफ हिज होम. जो हमारे घर के पीछे जो आंगन होता है, घर के पीछे का आंगन, उसी के जो उनका 100 स्क्वायर फीट की जो जगह थी बैकयार्ड, वहीं पर वो डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे. ही गेव हिज कंपनीज नेम आफ्टर हिज डॉटर्स नेम निरुपमा. उन्होंने अपनी बिजनेस का नाम लिखा हुआ है निरमा, तो वो अपनी बेटी जो है निरुपमा, उसकी याद में उन्होंने ये नाम रखा हुआ है. हु पास्ड अवे इन अ वेरी अर्ली एज, जिनकी बहुत ही छोटी सी उम्र में मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं की याद में उन्होंने ये नाम रखा हुआ है निरमा. ही स्टार्टेड होम मेड सेफ डिटर्जेंट यूज टू सेल दैट पॉकेट डोर टू डोर बाई यूजिंग हिज बाइसिकल एट द प्राइस ऑफ ₹3 पर केजी. जब उन्होंने ये बेचना शुरू किया तो ये रिटेलर के रिटेलर थे और डोर टू डोर जाकर बेचते थे पैकेट अपने बाइसिकल से, और उनकी कीमत थी ₹3 पर केजी, ₹3 किलो. ओके, उनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ₹1000 बोरोड फ्रॉम हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. जब उन्होंने पहला बिजनेस में इन्वेस्ट किया ₹1000 का, तो वो पैसे भी उन्होंने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड से उधार लिए हुए थे. और अब उसके बिजनेस की बात करें तो it is $640 million. आफ्टर 3 years ऑफ हिज बिजनेस इट बिकेम्स अ फुल टाइम बिजनेस एंड ही लेफ्ट हिज जॉब. 3 साल में उन्हें ये सारा रिजल्ट मिल गया कि हाँ अब हम जॉब छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी और ये फुल टाइम बिजनेस बन गया, जो कि कभी एक पार्ट टाइम बिजनेस था. ही सेट अप अ शॉप एट अ स्मॉल वर्कशॉप एट अहमदाबाद. लेकिन अभी भी उन्होंने एक छोटा सा वर्कशॉप लिया हुआ है अहमदाबाद में, वहीं पे वो काम कर रहे हैं. कब की बात है ये? जब 3 साल बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और इसे फुल टाइम बिजनेस के रूप में संभाला, तब की ये बात कर रहे हैं वो. एट दैट टाइम डिटर्जेंट मार्केट हैड नो प्रीमियम सेगमेंट विथ अ न्यू प्लेयर, लोकल प्रोसेस, पैकेजिंग एंड लो प्रोफाइल, इट बिकेम अ हैबिट ऑफ अ हाउसवाइफ्स. उस वक्त पर इसकी कोई इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं थी, और लोकल प्रोसेसर भी देखे तो ऐसा था कि उनकी पैकेजिंग भी इतनी वो नहीं थी. लेकिन हाँ, ऐसा था कि लो प्रॉफिट थी और सस्ते में मिल रहा था, तो धीरे धीरे यही चीज़ जो है वो हाउसवाइफ की हैबिट बन गई, क्योंकि सस्ते में मिल रहा था और उसकी क्वालिटी अच्छी थी. वेरी सुन ही स्टार्टेड हिज ब्रांचेस एट गुजरात एंड महाराष्ट्र. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ब्रांचेस बढ़ाई गुजरात और महाराष्ट्र में. उन्होंने अपनी न्यू ब्रांचेस जो है वो स्टार्ट की. विद इन अ डिकेड निर्मा वॉज अ लार्जेस्ट सेलिंग डिटर्जेंट इन इंडिया. विद इन अ डिकेट, मतलब 10 साल में, 10 साल के अंदर उन्होंने वो एक बहुत ही बड़ी मार्केट बन गई इंडिया के अंदर. उनकी मोटो जो है, अगर उसकी बात करें, मोटो का मतलब होता है फाउंडेशन, कि किस बेस पर उसकी पूरी कंपनी खड़ी हुई है. ओके, तो उसका मोटो जो है या सूत्र हम कहें तो वो है 4 P's. 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ये 4 जो है वो उनके मोटो है. ये आपको MCQ में आया वैसा है, तो हमें ये याद रखना है 4 P's का फुल फॉर्म. और 2004 में उसकी एनुअल सेल्स जो है वो थी 800,000 tons एंड बिकम अ लार्जेस्ट वॉल्यूम सेल विथ सिंगल ब्रांड नेम इन द वर्ल्ड. अब बात करते हैं निरमा के. तो निरमा में क्या और कौन सी चीज़ें जो थी वो उन्होंने अब ऐड कर दी. तो डिटर्जेंट तो वो बना रहे थे, उसके बाद उन्होंने टॉयलेट शॉप बनाना शुरू किया, निरमा बाथ शॉप बनाना शुरू किया, और ब्यूटी शॉप बनाना शुरू किया, और सुपर निरमा डिटर्जेंट पाउडर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनके इस निरमा कंपनी के अंडर में आती है. एंड ही बिकेम अ लीडिंग टॉयलेट शॉप्स आफ्टर लाइफ बॉय और लक्स. लाइफ बॉय और लक्स के बाद तीसरा नंबर अगर जो हो कोई टॉयलेट शॉप में तो वो है निरमा. ओके, श्री के बी डाडी शेठ द चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान लीवर टोल्ड इमेजिनेशन इज नॉट अ फिक्शन ऑफ अ फैंटेसी, इट इज़ अ मेंटल फैकल्टी ऑफ इंस्पायर्ड थिंकिंग टू क्रिएट टुमोरोज रियालिटी. के बी सेठ जो है वो एक जगह पर जब ऐसे लेक्चर देने के लिए गए हुए थे, तब उन्होंने ऐसा कहा हुआ था कि इमेजिनेशन जो है, जिसे हम कल्पना कहते हैं, इट इज़ नॉट ओनली अ फैंटेसी. फैंटेसी का मतलब होता है ड्रीम. ओके, तो उन्होंने कहा कि ये एक सिर्फ सपना नहीं होता, बट इट इज़ अ मेंटल फैकल्टी ऑफ इंस्पायर्ड थिंकिंग टू क्रिएट टुमोरोज रियलिटी. लेकिन उस सपने में इतना पावर है कि आपने जो सपना देखा है उसे आप कल की रियलिटी बना सकते हो, कल की हकीकत बना सकते हो. तो उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट ओनली अ फैंटेसी. आई नीड हार्डली गिव्स ए लेक्चर टू यू अहमदाबाद, बट अहमदाबाद हैज़ इट्स ओन हीरो. उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद के पास अपना खुद का हीरो है, एंड दैट इज़ करसन दास भाई. ओके, इट इज़ करसन
by Karsan Bhai's great vision that opened the out a huge market for a value detergent in India. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये सपना देखा हुआ था कि डिटर्जेंट पाउडर की इतना बड़ा मार्केट बन सकता है, उस वक्त पर किसी का भी ये नहीं था ओके कि जिसे देखकर उन्हें ये सपना देखा हुआ हो. जनरली हम क्या करते हैं कि अगर कुछ हमें बनना हो तो हमारे सामने एक आइडियल होता है ओके मुझे इसके जैसा बनना है, इसके रास्ते पर चलना है. लेकिन जब करसन भाई ने ये सपना देखा हुआ था तब उसके पास ऐसा कोई आइडियल नहीं था. तो उन्होंने अपने उस ड्रीम को फॉलो किया, अपने उस फैंटेसी को फॉलो किया और वो आज की रियलिटी बन गई. इसलिए के बी सेठ जो है वो कह रहे हैं कि मुझे इसलिए आपको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके पास आपका खुद का हीरो है. ये उन्होंने बात की थी इन द ईयर ऑफ 2000. निर्मा गिव्स इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी क्वालिटी बिकॉज ऑफ हिज कस्टमर्स बिलोंग टू द मिडिल क्लास. निर्मा गिव द वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, क्योंकि मिडिल क्लास का लोग जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी मिले और कम दाम में मिले. तो ये इसी चीज़ को आज भी ये मानते हैं और ये चीज़ आज भी उनके मोटो में है ओके और यही चीज़ को वो फॉलो करते हैं. दिस स्ट्रेटजीज लीड्स इट्स लीड्स इट टू हाई सक्सेस लाइक दिस. ही फॉलो दिस स्कीम टू अदर प्रोडक्ट्स लाइक पैकेज फूड, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन. और यही चीज़ को वो यानी कि वैल्यू फॉर मनी जो है उनकी यही स्ट्रेटजी जो है जिनकी वजह से वो कामयाब है और आज भी वो इस चीज़ को बरकरार रख रहे हैं. इनके अदर जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी लाइक पैकेज फूड, पर्सनल केयर और सो ऑन. अब देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है इन द मटेरियल. तो दे यूज अ सॉलिड मटेरियल, देर इज़ नो एनी लिक्विड यूज इन द पाउडर. कोई भी ऐसा सॉलिड यूज़ नहीं कर रहे, वो लिक्विड यूज़ नहीं कर रहे. तो उन्होंने जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया है वो भी सॉलिड मटेरियल ही है. दे आर फर्स्ट टू यूज़ अ सोडा ऐश एज देयर रॉ मटेरियल. उनके रॉ मटेरियल में जो है वो सोडा है, तो ये उनका रॉ मटेरियल है. वो फर्स्ट थे जो ये सोडा ऐश को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे थे. इट इज़ अ पैकेज इन पॉलीथीन बैग्स एंड इट लोड्स मोर इन अ ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट लो बिकम्स डाउन. क्योंकि वो जो पैकेज कर रहे थे लोड वो पॉलीथीन में कर रहे थे, तो सीधी सी बात है बल्क ज़्यादा आएगा तो फिर जितना ट्रक में वो ज़्यादा लोड होगा उतना ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा कम आएगा, तो उतनी हमारी बचत होगी ओके तो उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा. देर इज़ नॉट एनी मिडलमैन, कोई मिडलमैन नहीं है, तो सीधी सी बात है तो भी प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलेगा. रीज़न बिहाइंड सक्सेस ऑफ के पटेल्स कॉमन सेंस. उनका जो भी रीज़न है कि हम कह सकते हैं उन्होंने इतनी कामयाबी क्यों हासिल की, तो उसके पीछे था उनका कॉमन सेंस. ठीक है, पटेल सर्विस टू सोसाइटी, क्या क्या सर्विस की है उन्होंने, कौन सी सेवाएं दी हुई है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए. एज अ चेयरपर्सन फॉर अ टू ईयर्स टर्म्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल फॉर शॉप्स एंड डिटर्जेंट. उन्होंने 2 साल के लिए वो चेयरमैन रहे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट है काउंसिल शॉप्स एंड डिटर्जेंट का, उनके वो चेयरमैन रह चुके हैं. एज अ मेंबर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कमेटी फॉर सॉप्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज. ये सारी चीज़ें MCQs के लिए हमें याद रखनी है, वी कैन नॉट स्किप दिस थिंग्स. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. अवार्ड्स की बात करें तो 1990 में ये भी आ सकता है FASII. द फुल फॉर्म इज फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ओके. उन्हें उद्योग रत्न का अवार्ड मिला हुआ है बाय न्यू दिल्ली. Outstanding Industrialist of the 80s by Gujarat Chamber of Commerce facilitates. अगर present scenario की बात करें इनकी company की, तो at the age of 69 Dr. K.K. Patel is a non-executive chairman and the promoter director of the Nirma. तो अभी भी वो retire नहीं हुए हैं, वो अभी भी काम करते हैं ओके. अगर K.K. Patel के बच्चों की बात करें तो है राकेश पटेल और हिरेन पटेल. राकेश भाई जो है वो क्या देखते हैं, ये क्वालिफाइड मैनेजमेंट ग्रेजुएट, वो मैनेजमेंट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है. सो स्प्रेडिंग प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स जो फंक्शंस है वो ये देखते हैं, जबकि मार्केटिंग वगैरह जो है मार्केटिंग और फाइनेंस वो काम हिरेन भाई देखते हैं. ठीक है, तो ये है जो हमारे वो है क्वालिफाइड मैनेजमेंट ग्रेजुएशन किया हुआ है इन्होंने, और ये है केमिस्ट्री इंजीनियरिंग मैन एंड ग्रेजुएट, तो ये मार्केटिंग और फाइनेंस देखते हैं. उनके जो दामाद है सन इन लॉ जिसका नाम है कल्पेश पटेल, ही इज़ अ लीडिंग पोजीशन इन निर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड लीड्स अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजम स्ट्रक्चर. सो इट इज़ द मोस्ट अनबिलीवेबल टेल ऑफ अवर लाइफ अवर टाइम्स दैट इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट. तो यही बात है हमें पूरे लेसन से मिलती है सीखने के लिए कि अगर आप सपना देख सकते हो तो आप इसे पूरा भी कर सकते हो, बस हमें हिम्मत रखनी है, धैर्य रखना है और आगे बढ़ते रहना है.
और जो भी गलतियाँ होती है, हमारे फेलियर्स जो है उनसे हमें सीखना है। सो बस यही है इस लेसन में, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड यस डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द PDF नोट्स ऑफ दिस लेसन, द लिंक विल बी शेयर इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड यस इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मेन स्टूडेंट्स, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज चूज इंग्लिश लिटरेचर एज अ कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट, यू कैन एंड वॉन्ट टू जॉइन माई ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेज, यू कैन ऑल्सो join it and the link of the telegram channels will be shared to the description box below. That's it for today's video guys, thank you so much, may God bless you to all. Bye bye.